शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और ए नबी, इनको आदम के दो बेटों हाबील और काबील के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब उन दोनों ने बारगाह इलाही में एक एक नियाज पेश की तो एक की नियाज तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई। तब काबील हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कि अल्लाह परहेजगारों ही की नियाज कबूल फरमाया करता है, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है, मैं चाहता हूं कि तू मेरे गुनाह को भी समेट ले और अपने गुनाह को भी, फिर तू अहले दोज़ख में से हो जाए और जालिमों की यही सजा है। आखिर उसके यानी काबील के नफ्स ने उसको अपने भाई के कत्ल ही की तरगीब दी तो उसने उसे कत्ल कर दिया। फिर खसारा पाने वालों में हो गया। अब अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन कुरेदने लगा ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। कहने लगा, हाय कमबख्ती, मुझसे इतना भी ना हो सका कि इस कौवे जैसा ही होता कि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर वो पेशेमान हो गया। उस कत्ल की वजह से हमने बनी इस्राइल के जिम्मे ये बात लिख दी कि जो शख्स किसी को नाहक कत्ल करेगा, यानी बगैर इसके कि जान का बदला लिया जाए या मुल्क में खराबी करने की सजा दी जाए, तो उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल किया। और जो एक इंसान की जान बचा ले तो गोया उसने सारे इंसानों को जिंदगी दे दी। और इन लोगों के पास हमारे पैगंबर रोशन दलीलें ला चुके। फिर उसके बाद भी इनमें बहुत से लोग मुल्क में ज्यादतियां करने वाले हैं।